इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुक्स होमोलोगर सीरीज़। अगेन हमको पता है कि यूनिटरी थ्योरी के बाद, या अगर मैं बोलूं लेवोइजर सीरीज़ के बाद, पीरियोडिक टेबल बना डोबे राइनर्स ट्रायड, और डोबे राइनर और न्यूलैंड के बीच का जो टाइम इंटरवल था, टाइम गैप था, उसके बीच में एक छोटी सी होमोलोगर सीरीज़ बनाई गई जिसको हम लोग कुक्स होमोलोगर सीरीज़ बोलते हैं। बट इस चीज़ का कहीं पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली बुक्स में तो नहीं दिया जाता, बट अगर हम लोग डिटेल में काफ़ी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुक्स होमोलोगस सीरीज़ हमको देखने को मिलती है। अब देखो, 1854 में जेपी कुक्स क्लासिफाइड एलिमेंट इन सेवरल होमोलोगस सीरीज़। इसने क्या किया, जब किसी पर्टिकुलर, अगेन ये भी जो चीज़ें थी ये एटॉमिक मास पे थी, तो सीधी सी बात है कि इनके गलत होने का चांस ज़्यादा था। तो इसने क्या देखा कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम लोग चीज़ों का एटॉमिक नंबर अरेंज करें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे अगर देखो, नाइट्रोजन है 14, फिर फॉस्फोरस 14 प्लस 17, फिर जब हम लोग आर्सेनिक पे आते हैं तो 14 17 प्लस 44 इसका एटॉमिक मास, और उसके बाद से ये जो सी वाला पार्ट है ये देखो डबल होते जा रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तो कॉमन है 14 प्लस 17, फिर ये जो सी वाला पार्ट है 44, फिर नीचे 88, फिर उसका जस्ट डबल 176। तो इसने कुछ पैटर्न ऐसे ढूंढा था इसमें, बट इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब एकदम वेस्ट थ्योरी थी, जस्ट इसको बना दिया गया था, क्योंकि ये किसी, इसने क्या किया था, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाई थी, बट पीरियोडिक टेबल जो हमको चाहिए वो तो ओवरऑल एलिमेंट्स के लिए चाहिए थे, तो जिसकी वजह से इसको भी फॉलो नहीं किया जाता, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कुछ एलिमेंट्स के बारे में।